अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की ठाकराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर किया करें। उम्मीद करता हूँ कि पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे आप खैरियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, बात रखे, शाद रखे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह यह बताऊंगा कि इंजन में अक्सर एक बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, जो अक्सर भाई मुझसे सवाल भी करते हैं और काफ़ी जो मैकेनिक भाई हैं वो अक्सर सवाल करते हैं कि ये आवाज़ आज किस चीज़ की, कस्टमर भी पूछते रहते हैं। तो उसमें कुछ भाई ये बताते हैं कि ये कनेक्टर राड की आवाज़ है, कुछ भाई कहते हैं ये क्लच बॉक्स की आवाज़ है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि ये आवाज़ किस चीज़ की होती है। तो चलते हैं आप अपनी वीडियो की तरफ और आपको वो आवाज़ दिखाते हैं कि किस चीज़ की आवाज़ होती है, कैसे उसमें। तो दोस्तों ये है रोड प्रेस मोटरसाइकिल चाइना का, इसका हमने इंजन का काम करना था तो मैंने कहा चलो आज ये जो आवाज़ आपको बता रहा हूँ ये आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये दोस्तों देख सकते हैं कि मेरे हाथ में मोटरसाइकिल का जो है वो सिलेंडर है, ये है रिंग पिस्टन, ठीक है। तो ये अंदर मैंने डाला है तो इसको आप देख सकते हैं कितनी इसके अंदर लूजिंग है, नज़र आ रही है दोस्तों। तो अक्सर मोटरसाइकिल जो हैं दोस्तों उनके अंदर ये पिस्टन आवाज़ करता है, आवाज़ ये उस वक्त करता है जब लूज़ हो जाता है, जब हम रेस ऐसे देते हैं ना तो ये अंदर ऐसे थड़थड़ाहट जी करता है, पंजाबी में हम कह सकते हैं खड़कता है, फड़कता है। तो ये पिस्टन की अक्सर आवाज़ होती है, नज़र आ रही है दोस्तों कितना इसके अंदर लूजिंग है, नज़र आ रहा है ये आवाज़ आपको वैसे भी आ रही होगी, नज़र आ रहा है कितना इसके अंदर लूजिंग है। तो अक्सर हमारे ये जो पिस्टन होते हैं ये लूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है। कुछ भाई हमारे ऐसे भी करते हैं कि जो बोर होता है ना उसको नहीं कराते, वैसे ही पिस्टन डाल देते हैं। ये भी देख सकते हैं पिस्टन किसी भाई ने मेरे ने नया डाला है, नज़र आ रहा है, लेकिन बोर इसका लूज़ है। तो बाज़ का तो जो नए खरादी होते हैं उनकी वजह से भी ये मिस्टेक हो जाती है कि वो बोर लूज़ कर देते हैं, ये देख सकते हैं। तो एक तो ये गाड़ी जो होती है वो एल हमारा ख़त्म करती रहती है क्योंकि ये धुआं मोटरसाइकिल मारता रहता है, और दूसरा ये प्रॉब्लम इसको आती रहती है। तो इसको जो आप देख लें, अभी मैं आपको मोटरसाइकिल स्टार्ट जो है वो नहीं चेक करा सका, माजरत, वैसे मुझे फ़र्ज़ तो बनता था चेक करना, लेकिन रिकॉर्डिंग में वो इतनी आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देती क्योंकि वहाँ पर तो जो होता है ना वो शोर नुमाई आवाज़ आती है। लेकिन मैंने आपको ये चीज़ प्रैक्टिकल बता दी है कि ये आवाज़ जो होती है ये पिस्टन की होती, नज़र आ रही। तो पिस्टन भी आप देख लिया करें, ठीक है, देख सकते हैं कि कितना इसके अंदर लूजेंगे, नज़र आ रही है। तो अक्सर मोटरसाइकिलों की ये भी आवाज़ होती है। तो रॉड अगर आप इसका देखते हैं तो वो ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चीज़ जो है उसको क्लियर देख कर फिर उसके बाद जो है ना उसका पंजाबी में कह सकते हैं कि फतवा दिया करें, ठीक है ना। तो ये भी मेरे पास इसी प्रॉब्लम के लिए आए थे, वैसे इसका इंजन का और भी काम करना था लेकिन मैंने जब ये देखा तो इसका पिस्टन लूज था, मैंने कहा चलो आज अपने भाइयों के साथ भी इसको शेयर कर देता हूँ। तो दोस्तों कोई भी मोटरसाइकिल है उसको आप इत्मीनान के साथ पहले चेकअप किया करें और उसके बाद उसका जो फॉल्ट है वो कस्टमर को बताया करें। बाज़ अवकात ऐसा भी होता है कि हम जल्दी में होते हैं या ठीक तरह से चेक नहीं करते तो हम वैसे ही कह देते हैं कि ये इसको ये फॉल्ट है, तो वो किसी और बाइक को चेक कराता है, वो फॉल्ट नहीं होता तो फिर जो हमारा कस्टमर होता है या गाहक होता है वो हमसे बाज़ान हो जाता है या हमसे दूर हो जाता है। तो हमेशा जो फॉल्ट हो वही बताया करें और जो उसका काम होने वाला है वो ये करें, ये मेरा आपको मशवरा है, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो यही थी आज की हमारी वीडियो इसी टॉपिक पर कि ये जो पिस्टन होता है इसकी वजह से भी हमारे इंजन में आवाज़ आती है, जब ये लूज हो जाता है तो मोटरसाइकिल इसकी वजह से भी आवाज़ करता है, फोस्टो को, चाइना को, तमाम जो है ना वो ये फॉल्ट जो मैंने आपको बताया ये करते हैं। तो इंशाल्लाह फिर कभी जो है ना मैं आपको स्टार्ट करके भी दिखा दूंगा कि ये आवाज़ किस तरह की होती है, लेकिन आप इस तरह भी ये कोई भी मोटरसाइकिल इंजन खोलते हैं तो इस तरह आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कितनी इसके अंदर लूजिंग है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।